हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश मशीन पे। सो गाइस, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज का नाम है ट्रेड टॉक। गाइस, सीरीज का सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, वो लेकर आया हूँ HDFC बैंक। गाइस, ये जो ट्रेड टॉक की सीरीज है, ये चलती रहेगी। आपको हर दिन नए ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसके में आपको मैं सिखाऊंगा, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस होगी, टेक्निकल एनालिसिस होगी पूरी डिटेल पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। स्टॉक्स वही आपके साथ शेयर करे जाएंगे जिसमें कोई ब्रेकआउट आया है या कोई ब्रेकडाउन आया है या दे सकता है या नहीं दे सकता। गाइज, दूसरे स्टॉक्स वो शेयर करे जाएंगे जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में आप वही स्टॉक बताइएगा जिसपे आप चाहते हैं कि मैं इसे बाय करूँ या सेल करूँ, या अगर आपके पास उस पर्टिकुलर स्टॉक की होल्डिंग पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि उसका आगे फ्यूचर क्या है, या मैं एग्जिट कर दूँ या अपने और पोजिशंस को बाय करके रखूँ। सो गाइज, अगर आपको अपने कुछ भी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा भी डाउट है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम लिख कर देंगे। और गाइज, अगर दूसरे लोग उस कमेंट सेक्शन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो स्टॉक हमें भी पूछना है, तो आप उसी स्टॉक को लाइक कर दीजिएगा। गाइज, उसी कमेंट को लाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। और जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे जिस भी स्टॉक पे और लाइक होंगे, मैं वही स्टॉक की वीडियो अगले ट्रेड टॉक पे बनाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं HDFC के अंदर। इस ट्रेड टॉक की सीरीज में आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है गाइस, बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर होने वाली है। ये पर्टिकुलर स्टॉक पे ही आपको एक ऐसी ऐसी मिस्ट्री वाली चीज़ें पता चलेंगी, ऐसी आपको खतरनाक चीज़ें पता चलेंगी कि आप सोचेंगे कि कहाँ से ये निकाल लिया इन लोगों ने, और अब हमारे लिए एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म वाला ब्रेकआउट हमें HDFC के अंदर देखने को मिला है। वो एक सरप्राइज है जो आपके साथ इस वीडियो में आखिरी में शेयर करा जाएगा स्लाइड में। तो गाइस, सबसे पहले हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। हल्के हल्के चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे और आपको सलाह यही दी जाएगी कि जब आपको एक पैटर्न के बारे में समझा दिया जाए तो उसी टाइम वीडियो को पॉज करके उस पैटर्न को अपने चार्ट पर भी ड्रॉ कर लिया जाएगा। अपने चार्ट पर ड्रॉ करने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें बिहेव करना है। अब गाइज, मैंने सबसे पहले चार्ट ओपन करके रख दिया है HDFC का। HDFC का जब मैंने चार्ट ओपन करा हुआ है, मैं आपको क्लियरली तरीके से दिखा देता हूँ। सबसे पहला पैटर्न, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्या पैटर्न है। जी गाइस, सो आप देख सकते हैं HDFC का मैंने चार्ट ओपन करा हुआ है। सबसे पहले मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, ये चैनल है। आप देख सकते हैं, सिर्फ इस चैनल पे ध्यान दीजिएगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिसंबर 2018 में ये स्टॉक इस चैनल को फेस करके नीचे आया। ये लाइन आपको क्लियरली व्यू नहीं होगी, मैं लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। सो गाइस, ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद ये फिर ऊपर गया, हम देखते हैं, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और आखिरी में नीचे से जाके ये ब्रेकआउट दे देता है, ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है। अब हम सबसे पहले इस चैनल के बारे में समझेंगे, इस चैनल के अंदर क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं ये चैनल पे सबसे पहले रेजिस्टेंस फेस करा इसने, नीचे आया। ये जो सपोर्ट की मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये मैंने तीनों सपोर्ट को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनाई है, तीनों रेजिस्टेंस को मिला के रेजिस्टेंस की लाइन बनाई है। ये आप क्लियरली बना सकते हैं, आपको बनाने की ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे आया, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते ही उछल गया और आगे जाके अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर आ गया। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे आने की इसने रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फेस करा और आखिरी में फिर नीचे आ गया। और सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे और फिर आखिरी में ब्रेकआउट दे दिया। सो आप समझ सकते हैं कि 2018 के दिसंबर से लेकर अब तक ये हम कह सकते हैं कि पाँच, यानी कि अब मान के चल सकते हैं कि मई 20 2019 पे इसने हमने ब्रेकआउट देखने को मिला 2100 के लेवल। अब हमें किस तरीके से काम करना है, 2100 के लेवल पे इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्या 2100 का लेवल एक अहम लेवल है? आपको वीडियो की आखिरी में पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा अहम लेवल है 2100, 2060 का लेवल, ये एक रेंज है ब्रेकआउट की, आपको यहाँ पर दिख नहीं रही है, मैं इसे जूम कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये 2070 से लेके 2110, ये एक रेंज है, ये 40 से 50 पॉइंट की रेंज है। अगर इसका जो ये रेंज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका अगर ब्रेकआउट हमें जो देखने को मिला है वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक 3500 भी जा सकता है। गाइस, ये जो मैं कह रहा हूँ 3500 का लेवल, वो आपको आराम से पता चल जाएगा।
और मुझे लगता है कि ये शायद अब 2070 के लेवल या 2050 के लेवल को बहुत मुश्किल से ही ब्रेक करे। कैसे करेगी, यही एक सरप्राइज है जो मैं आपके साथ आखिरी में शेयर करने वाला हूँ। आपको अपने आप पता चल जाएगा ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण ब्रेकआउट था और किस तरीके से काम हुआ। अब पहला जो पैटर्न आपको देखने को मिला है कि चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला। चैनल का जब हमने देखा कि ब्रेकआउट देखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। चैनल का जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला, वही रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट बन गया। आप देख सकते हैं चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया और अपने हाइस को तोड़ के ऊपर चला गया। अब जाके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर मैंने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दे दी थी बाय करने के लिए, अगर आपको जानना है। और मैंने यूट्यूब पे भी खास इस पे अपनी वीडियो टारगेट और स्टॉप लॉस दिए थे HDFC के अंदर बाय करने के लिए। अगर आपने आज इंट्राडे पे भी बाय करा होगा तो आप 35 पॉइंट आराम से अर्न कर गए होंगे, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। पहला पैटर्न, अब आप वीडियो को पॉज करके ये पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। अंदर की लाइंस आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि किस तरीके से चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। चैनल के अंदर ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, वही जो ब्रेकआउट था अब उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अब आप वीडियो पॉज करके इसको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। वो पैटर्न समझाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहां पर इसने सपोर्ट लिया, पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल पे ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट करते रहा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चार्ट की तरफ, HDFC का ही है। गाइस अब आप देख सकते हैं मैं वही लाइन बनाई हुई है मैंने, पर ये एक फ्लैग शेप पैटर्न हम कह सकते हैं, पर यह एक्चुअली इसे एक पीनेंट पैटर्न कहते हैं। पीनेंट यानी कि बुलिश पीनेंट पैटर्न। अब देख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी पिछले स्लाइड में बताया कि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर चला गया। अब आप गाइज यहीं पर देखिएगा, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर इस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट करते रहा, तो मैंने इसके जो टॉप्स हैं, ये इसके जो टॉप हैं, इन टॉप को मैंने मिलाया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। जो इसके बॉटम है मैंने इस कंसोलिडेशन के बॉटम को मिलाया और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो आप देख सकते हैं ये इसका पोल, पोल के बाद ये इसका एक पैटर्न है, पीनेंट पैटर्न हम इसे कह सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी कह सकते हैं। अगर हम इस पोल को हटा दें, अगर हम इस पोल को हटाते हैं, यहाँ पर आप पोल पे एक ऐसे हाथ रखेंगे, पोल को हटाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये सिमेट्रिकल पैटर्न है। सिमेट्रिकल पैटर्न का इस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला, पर हम पूरा इसे ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि हमें इसके टारगेट फाइंड करने हैं। HDFC का हमारा मेन पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस डिटेल करने का, कि हम टारगेट स्टॉप लॉस फाइंड कर सके और कितनी ऊपर जा सकता है, फ्रेश बाय बनता है या फ्रेश शॉर्ट बनता है या नहीं बनता। अब आप देख सकते हैं इस पीनेट पैटर्न का इसने ब्रेकआउट इस लेवल पे दिया। अब मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय करने की सलाह कब दी, इस लेवल पे ही नहीं दी मैंने अपने क्लाइंट्स को लेवल बाय करने की सलाह, तब दी जब इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता उसका प्रीवियस, इस लेवल का प्रीवियस स्विंग हाई क्या है, ये आप देख सकते हैं ये टॉप। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं जी गाइस, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, जैसे ही इसने 22,035 के लेवल को ब्रेक करा, उसी टाइम मैंने अपने क्लाइंट्स को इस पर बाई की सलाह दे दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ 2270 का, क्योंकि फर्स्ट टारगेट जो मैं इंट्राडे बेसिस पे एज्यूम करके चला था 2270 का टारगेट, और हायर लेवल्स बन सकते हैं। अब हमें इसका रियल टारगेट फाइंड करना है, इसकी अप मूव कितनी बन सकती है, वो फाइंड करने के लिए हमें पैटर्न को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आप देख कह सकते हैं गाइस कि इसने पैटर्न की शुरुआत इस लेवल से करी थी, ये लेवल कौन सा है आप नोट कर लीजिए, 1940 का लेवल। ये इसने पोल बनाया यहाँ तक, पर पोल बनाने के बाद आप देख सकते हैं कंसोलिडेट करते रहा। सो कंसोलिडेशन से पहले जो पोल की हाइट थी वो हम नापेंगे, यानी कि मैं देख सकते हैं ये यहाँ इस लेवल तक ये कंसोलिडेट करते रहा, तो मैं पोल की जो हाइट नापूंगा वो कौन सी हाइट नापूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, इतनी हाइट में नापूंगा पोल की, क्योंकि उसके बाद तो ये चैनल में चला गया और कंसोलिडेट करते रहा। सो ये पोल की हाइट क्या है आप देख सकते हैं, ये जो इसका पोल का टॉप है वो है 2090, यानी कि हम मान के चल सकते हैं 2090, और जो इसका लो है वो है 1940, यानी कि कुल हम मान के चले तो 150 पॉइंट, 150 पॉइंट का ये डिफरेंस है इस पोल का। यानी कि अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, इस पर्टिकुलर चैनल का जो ये ब्रेकआउट इसने दिया है, जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा गाइस इस लेवल तक, यानी कि वो यहाँ तक जा सकता है। अल्टीमेट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं HDFC के अंदर वो है
2360 का टारगेट या 2350 का टारगेट, यानी कि 2200 के लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिला। 2200 के लेवल से अगर हम 150 पॉइंट और ऐड करें तो यानी कि 2350 तक ये अल्टीमेट जा सकता है एट अ मैटर ऑफ टाइम। जितना टाइम ये पोल बनने में लगा है उतना टाइम ही ये हम कह सकते हैं कि ऊपर जाने में लगाएगा। पोल बनने में हमने देखा मैक्सिमम 3 दिन लगे हैं, सो ये मुझे लगता है 2 दिन में इसने 80 पॉइंट तक की जो रैली दे दी है, अपने टारगेट का 50% तो कवर कर लिया, और 50 कवर करने में शायद इसे 2 या 3 दिन और लग जाए, पर अल्टीमेट टारगेट ये जरूर अचीव हो सकता है। स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना है, टारगेट आप देख सकते हैं 2200 के लेवल से 2350 यानी कि 150 पॉइंट का टारगेट। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है, इस चैनल के नीचे का, यानी कि आप देख सकते हैं 2140 का लेवल, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ऊपर 150 पॉइंट का टारगेट। बहुत बढ़िया हम मान के चल सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और बहुत बढ़िया टारगेट्स हम मान के चल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, अब मैंने आपको बहुत क्लियरली व्यू बता दिया कि टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, कब बाय करनी था, हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में से बाय करना था। और गाइस मैंने अपनी वीडियो पे खास बोला था कि 2235 बाय करो, 2235 पे बाय करना, और अल्टीमेट टारगेट जो हम इंट्राडे पे मान के चल रहे हैं वो 2270 का होगा, जो कि अचीव हो गया था गाइस। अब हम बात करते हैं कि 2270 पे भी अगर आप लोगों ने होल्ड कर रखा है तो अब क्या टारगेट बन सकता है, वो टारगेट बन सकता है 2350 का लेवल। क्या 2350 के ऊपर जा सकता है, हो सकता है कि शायद, अगर हम लोग ये भी तो रिज्यूम करके चलना चाहिए, हम बार बार हम ऊपर की तरफ रिज्यूम नहीं करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि शायद ये फॉल्स ब्रेकआउट हो, यहाँ से दोबारा नीचे आ जाए और नीचे चले जाए, हो सकता है। हाँ गाइज हो सकता है, पर जिस तरीके से इसने 2 पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दिया है, पहला पैटर्न मैंने आपको जो बताया उसका यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला, वही चैनल का ब्रेकआउट इसने दूसरे पैटर्न, एग्जैक्ट जैसे ही पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ उसने दूसरा पैटर्न डेवलप करा, और पहला पैटर्न का ब्रेकआउट जब हमने देखा तो दूसरा पैटर्न बना, दूसरा पैटर्न का हमने ब्रेकआउट देखा तो अब शायद हो सकता है ये तीसरा पैटर्न बना दे। आप देख सकते हैं पहला पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ वो बुलिश हुआ था गाइस, दूसरा पैटर्न जो इसने पीनट पैटर्न बनाया उसका भी बुलिश हुआ है ब्रेकआउट, हो सकता है कि शायद ये तीसरा पैटर्न भी बना दे और उसका भी ब्रेकआउट बुलिश हो, अब यहाँ से शायद ये और ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये 3000 के लेवल तक भी पहुँच सकता है, उसका रीज़न भी अब हम बात करते हैं। आपको मैंने इस वीडियो को पॉज करके आप ये पैटर्न भी ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको इन दोनों पैटर्न को मिक्स करके रखना है, यानी कि आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी होगी यहाँ पर, बस आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ और कर दीजिएगा ऐसे, सो आप समझ जाएंगे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ये दोनों पैटर्न का एक मिक्सचर आपके लिए बन के आ जाएगा जी गाइस। अब आपके लिए मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, ये अब आप देख सकते हैं जी गाइस, मैं इसे जूम आउट करता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। चैनल था, चैनल का ब्रेकआउट, उसने एक नया पैटर्न बनाया, नया पैटर्न का ब्रेकआउट, टारगेट जैसे ही अचीव होता शायद वो दूसरा पैटर्न भी यहां पर बनाना शुरू कर दे। सो गाइस ये आपको नोट करके रखना है, अपने चार्ट के अंदर ध्यान से बना लेना है, और जब आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले, कौन सी ट्रेंड लाइन के आसपास मिले मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ये आप देख सकते हैं जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, अगर आपको दोबारा 2230 या 2240 के आसपास मिलता है, या अगर गलती से भी वो और फिसल जाता है, और अगर आपको इस ट्रेंड लाइन पे मिलता है, ये जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी उस पे आपको अगर ये सपोर्ट लेते हुए मिलता है जो कि है 2200 का लेवल, तो आप दोबारा इसे बाय करके चल सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपको हायर लेवल्स भी दिखाएगा, क्योंकि गाइस ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है तो एक बार नीचे आएगा और हमें बाइंग के लिए एक लेवल देगा और उस टाइम हमें इसको बाय करना पड़ेगा। अब जो मैं आपको एक खास चीज बता रहा था जिससे मुझे पता है कि ये जो ब्रेकआउट मिला, ये लेवल का जो ब्रेकआउट है ये इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है कि शायद ये इस लेवल को ना तोड़ने की अब कोशिश करें, मुझे नहीं लगता शायद अब ये तोड़ेगा। अब आपको क्या लगता है मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे चार्ट की तरफ, यानी कि हम तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने यहाँ पर ये HDFC का दूसरा ओपन कर दिया। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाऊंगा, सिर्फ इतनी की तरफ गौर करिएगा, कहीं और बिल्कुल भी मत देखिएगा, वो एक सरप्राइज है जो आपको पता चलेगा जी गाइस। अब हम देखते हैं कि ये क्या बना रहा है, हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, इसने एक अपमूव दी, अपमूव देने के बाद ये पर्टिकुलर काउंटर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आता है, हम देखते हैं, फिर ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है जी गाइस। मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया,
अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो मैं लाइन है वो उसको एक बार हल्के से इंक्रीज करता हूँ तो आपको पता चलेगा क्या दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। जी गाइस, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अब आपको मेरी बात ध्यान से देखनी है, जहां जहां मैं आपको बोलू वहां वहां आप देखिएगा। आप सबसे पहले टाइमलाइन पे देखिएगा, टाइमलाइन आपको क्या शो कर रही है, 1995 से लेके 1999 तक, यानी कि 1999 के एंड भी हम मान सकते हैं मिड तक, यानी कि 4.5 साल तक इसने ये पैटर्न डेवलप करा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न में देखा, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला, कौन से लेवल पे मिला, 2093। अब मैंने आपको रेंज क्या बताई थी, 2070 से लेके 2110 का लेवल, ये 40 पॉइंट की रेंज का लेवल हमने देखा। 2100 के लेवल से 2090 के लेवल से इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन देखने को मिलने के बाद हम कह सकते हैं ये स्टॉक कहां पर आ गया, 250 के लेवल पे। 2090 का शेयर 250 के लेवल पे आ गया। और उसके बाद मैं इसे जूम आउट करता हूं, मैं यहां पर एक और चीज आपको दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर होगी। मैं दोबारा इस लेवल पे आ गया, 1999 पे आ चुका हूं। मैं ये जो लाइन है इसको भी हटा देता हूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं। जी गाइस, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, ये अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो करंट डेट चल रही है वहां तक एक्सटेंड हो गई है। अब आपको दिखाता हूं मैं क्लियरली मैं क्या बताना चाह रहा था। 2100 का लेवल जो था, हेड एंड शोल्डर का जो सपोर्ट था नीचे का 2100 का लेवल, वो तोड़ा उसने और नीचे चला गया। 2100 के लेवल को 1999 के मिड में जब तक तोड़ा, उसके बाद आज तक वो उसके ऊपर नहीं निकला गाइस, आप देख सकते हैं आज तक उसके ऊपर नहीं निकला। और कब इसने ब्रेकआउट देखने को मिला, कब देखने को मिला, आप देख सकते हैं अप्रैल में। यहां पर आप दोबारा मैं आपको दिखाता हूं, अप्रैल की सीरीज पे इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला 2100 के लेवल पे। आप नीचे जरा डेट पढ़िएगा, 5 मई, सॉरी आप देख सकते हैं मई में इसने ब्रेकआउट देखने को मिला है, मई के एंड में। अब मैं आपको दोबारा चार्ट पे लेकर चलता हूं, ये कौन सा लेवल है, मई के एंड है, आप देख सकते हैं 20 मई 2019 का ब्रेकआउट देखने को मिला। किस लेवल पे देखने को मिला गाइस, 2100 के लेवल पे। और यहां पर आपको क्या दिखा रहा हूं, 2100 का लेवल। अब मैं अगर इसे डेली चार्ट में लेकर चलता हूं, अब मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं, अगर मैं इसे बाय चांस डेली चार्ट में लेकर चलता हूं और मैं यहां पर जो मैंने एक्सटेंड करी थी वो आप देख सकते हैं, हेड एंड शोल्डर का जो बॉटम था उसे एक्सटेंड करा था। सो वो एक्सटेंड की लाइन कहां आ रही है गाइस, इस चैनल के ब्रेकआउट पे ही आ रही है, यानी कि 1995 से 1999 तक इसने एक 5 साल के अंदर एक हेड एंड शोल्डर बनाया, जो उसका टॉप था वो था 4700 का लेवल, जो उसका बॉटम था वो था 2100 का लेवल। अपने बॉटम के लेवल को उसने तोड़ा, बॉटम के लेवल को तोड़ने के बाद वो शेयर कहां भाग गया, 250 के लेवल पे। और आज तक यानी कि हम मान के चल सकते हैं 2019 के मई तक वो उस 2100 के लेवल को HDFC नहीं तोड़ पाया। और हमने देखा कि 20 मई 2019 को उसने उसी लेवल का यानी कि 2100 के लेवल का ब्रेकआउट दिखाया, कंसोलिडेट करा, एक नया पैटर्न फॉर्म करा, नया पैटर्न का उसने ब्रेकआउट दिखाया। और ब्रेकआउट देखने के बाद मुझे लगता है कि 2100 के लेवल को तो शायद अब वो नहीं तोड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं 2100 का लेवल के नीचे की अगर हम रेंज बात करें तो मैक्स टू मैक्स 2000 से 2100 के बीच में कभी भी अगर आपको HDFC दिख जाए, कभी भी, या 2100 के आसपास भी आपको दिख जाए, HDFC को बाय करके चलिए। अल्टीमेट टारगेट जो इसका मुझे लगता है, जो 2 या 3 दिन का लगता है, वो है जो मैंने आपको ये टारगेट बना रखा है जो कि है 2350। पर ये आने वाले कुछ साल में 1 या 2 या 3 साल के अंदर अंदर ये पर्टिकुलर काउंटर 3500-4000 भी पहुंच सकता है और ये बेस्ट आपके लिए बाय बन सकता है। आप देख सकते हैं कि किस लेवल से मैंने आपके लिए मंथली चार्ट का निकाला था, किस लेवल से आपको मैंने ये शो करके दिखाया था कि ये कहां तक चला गया है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने जो डेवलप करा था, उसका ब्रेक जो इसका सपोर्ट था, वही सपोर्ट इसका आगे जाके देख सकते हैं रेजिस्टेंस बनता है गाइस। ये देखिए गाइस, इसी चैनल का लेवल, इसी लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला हमें गाइस। और आप देख सकते हैं क्लियरली मंथली चार्ट में आपको शो कर रहा है क्लियरली कहां सपोर्ट लिया इसने दूसरे महीने, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और ऊपर भाग गया।
क्लियरली आपको ये HDFC पहली ही सीरीज में दिखाने का मतलब ये था कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस तो सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस में देखेंगे, कोई आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं, आप RSI लगाइए, आप MACD लगाइए, आप हर चीज़ इंडिकेटर्स यूज़ करिए, अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाएंगे, सिर्फ ट्रेंड लाइन, सो आप ऐसी ऐसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर चीज़ें सीख जाएंगे, पता लगा लेंगे कि आप अल्टीमेट टारगेट लगाएंगे और आपको कभी लॉस नहीं होगा गाइस। यही मैं अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, इसी तरीके से मैं अपने लोगों को कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ। मुझे पता है कि गाइस ये जो मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ वो शायद इंट्राडे बेसिस के अंदर टारगेट अचीव ना हो, पर वो मेरे जो कॉल्स होते हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं कि वो उनके टारगेट 2 या 3 दिन या मैक्स टू मैक्स 4 दिन के अंदर अचीव हो जाते हैं। गाइस इसी के साथ मैं HDFC को ये चार्ट को बंद करना चाहूंगा। मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ चार्ट के बारे में, दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको बनाने में आसानी हो। चैनल का ब्रेकआउट इस लेवल से 2100 के लेवल से देखने को मिला, 2100 से लेवल के बाद हम देख रहे हैं कि 2100 लेवल से लेके हम मान सकते हैं कि 2340 के लेवल तक ये कंसोलिडेट करते रहा, 2335 के लेवल तक सॉरी कंसोलिडेट करते रहा। कंसोलिडेट करने के बाद इसने एक पैटर्न बनाया, पीनेंट पैटर्न, ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद हमें कब बाय करना था, प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इस रेंज का हाई था। रेंज का हाई क्या था मैंने अभी आपको बताया, 2235 पे बाय करना है। टारगेट क्या है, 2350। मैंने अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दी थी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर जाएंगे या फिर आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे मेरा नाम शिवांश भसीन तो आपको दिख जाएगा। मैंने एक दिन पहले ही वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको 5 स्टॉक्स 2 जुलाई के लिए दिए थे, यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए दिए थे, जिसमें मैंने आपको HDFC भी दिया था। कब की सलाह दी थी, 2235 बाय करने की सलाह दी थी आपको। टारगेट क्या दिया था इसके अंदर, 2270 का दिया था गाइस, और जो कि अचीव हो गया ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही। गाइस अगर आपको मेरे चैनल पे जाना है तो आप यूट्यूब के अंदर सिर्फ मेरा नाम सर्च करिएगा, शिवांश भसीन, शिवांश भसीन आप पूरा नाम सर्च करिएगा, मुझे यहाँ पर दिख गया है, मैं आपके लिए पूरा सर्च कर देता हूँ। जब आप एंटर दबाएंगे शिवांश भसीन मेरे चैनल पे जाके, सो आपको यहाँ पर मेरा चैनल दिख जाएगा। यहाँ पर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, साइड बाय साइड सब्सक्राइब के बटन के साथ एक आपको बेल का आइकन दिखेगा, बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा गाइस। उससे जो भी मेरी ट्रेड टॉक्स की सीरीज है उसमें जो भी स्टॉक्स मैं आपके लिए बनाऊंगा या आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले वो वीडियो देख के अपना ट्रेड ले पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। गाइज अगर ये जो मैंने इतनी मेहनत करी है एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी मेहनत और करते रहूं पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने स्टॉक्स। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कोई भी आपके स्टॉक पे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा गाइज। और मैं ये जो मेरी सीरीज है ये हर 2 दिन में आपके लिए नई वीडियो आएगी सीरीज में, और आप हर 2 दिन में इसका अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। हो सकता है गाइस अगर मुझे कोई और ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मैं अगले दिन ही कोई वीडियो बना दूं, या मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं दिखता तो मैं शायद एक दिन रुक के वीडियो बनाऊं, पर आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक आपको इसमें फायदा मिलता रहेगा गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आई है गाइस, तो हर इस वीडियो पे मुझे लाइक मिलना चाहिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है तो गाइस डिसलाइक भी दे दीजिएगा, पर जितने भी व्यूज आते हैं मुझे उसमें लाइक और डिसलाइक अगर आप देंगे तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा, साइड बाय साइड मेरे सब्सक्राइब को भी आप करके जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और गाइस स्टॉक्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, थोड़ा आलस ना करिएगा, और एक बार आप लिख दीजिएगा तो आपका ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ट्रेड करते रहिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।